पर मोवा भी देख लो कितना बढ़िया मोवा चढ़ा रखा है। वो सारा गुरुकुल व शिक्षा के क्षेत्र में अब तक दान दे दिया इन्होंने 58,47,035 रुपए। ऐसे ये क्या पड़ा है जिसमें घी और मैदा, ठीक है, देसी घी होगा ना, प्योर देसी, कौन सा घी यूज करो जी? वीटा का घी यूज करे। इस तरह का जलेबी उतरेगी, एक किलो में 4 जलेबी चढ़ा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो मीठा चढ़ लग रहा है, कितने ये छत्ते यहाँ पर दरेजा है, एक बार दिखा दे भाई। इस तरह से देसी खांड का ये मीठा चढ़ लग रहा है। देख भाई, भाई यार की गौशाला में ले आए हैं, देखो सारी यहाँ पे गौ बंध रही है, इन गौआ का दूध निकल के और फिर यहाँ पे मावा निकाला जा है। और जो भाई ने रेट बताया था बहुत ही जायज रेट है, 400 रुपए किलो मावा का। और मेरे को 6 साल हो गए आते हुए। अच्छा 6 साल, यहाँ से जाता हूँ तो ये यहीं से, ठीक है, तो वह बात हो भाई। 10 में से 10 सामान ठीक होगा, जहाँ सामान ठीक हो 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर दे दिया भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन मलिक हरियाणा पर। फ्रेंड्स देखो, सावन का महीना आ गया है और सावन का महीना में घेवर, हरियाणा का घेवर सबसे फेमस है। एक बार दिखा दे भाई घेवर की सेवा, और ये है ना सैदपुर गांव में है, ठीक है। एक खास बात है हरियाणा की कि यहाँ पे बहुत सी जगह पे शुद्ध देसी घी का घेवर मिले है, और आज फिर हम आपको घेवर के ऐसे उस पे लेके आ गए हैं जहाँ पे आपको शुद्ध देसी घी का घेवर मिलेगा, मावा का घेवर भी। यहाँ पे गौशाला है, गौशाला का नाम पे ये प्रोग्राम चला हुआ भाई, और कुछ समय के लिए। एक बार दिखा दे, देखो तीज रक्षाबंधन हुआ, जन्माष्टमी तक है भाई कुछ समय के लिए। और शुद्ध देसी घी वह छत्तीसगढ़ की शुद्ध खांड का घेवर है, और घेवर की सेवा अठगामा गौशाला सैदपुर घेवर, और इसमें इनाम भी है भाई। देखो सॉरी, जो ये है ना 2021 से लेकर 24 जून 2024 तक गौशाला गुरुकुल व शिक्षा के क्षेत्र में अब तक दान दे दिया इन्होंने 58,47,035 रुपए, जो इन्होंने दान दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे पड़ेगा भाई, एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, और एक बार देखो गाड़िया की लाइन भी देख लो, ठीक है। ये सारे आर्डर रुक रुक के घेर लेवा है। इस साइड मेरा पड़ेगा खरखोदा भाई, और उस साइड पड़ेगा चंडी बॉर्डर, दिखा दे भाई, ठीक है। इस साइड भी चंडी बॉर्डर पड़ेगा, गाड़ी वगैरह देख सकते हो, और कैसे शुद्ध हमारा देसी घी का घेवर बना है सावन का महीना में, तो वो आपने दिखाएंगे। और रेट भी जो आप ने शहर में तो ले लियो 500, 600, 700 रुपए मावा का घेवर मिल रहा है, और वो न्यू नहीं बेरा किस घी में बना हुआ है, किस अड़ंगा में बना हुआ है, तो यहाँ पे रेट भी जानेंगे यहाँ पे, और कंप्लीट वीडियो देखियो बनाते हुए भी दिखाओगे। तो आ जाए अंदर आ जाए। देखो भाई घेवर के छत्ते देख लो, यहाँ पर घेवर बनने लग रहा है, किस तरह से घेवर बने है, एक भाई दिखाइयो जी किस तरह का बनेगा। देखो इस तरह से, ये क्या पड़ा है जी इसमें? घी और मैदा, ठीक है, देसी घी होगा ना, प्योर देसी, कौन सा घी यूज करो जी? वीटा का घी यूज करे हैं भाई। और कस्टमर भी देख ले भाई, आज अभी शुरुआत हुई है, अभी हवन होता है और अभी शुरुआत करी है, देख लो भाई। पिछला साल भी यहाँ पे चला हुआ था, पिछला साल भी बहुत ज्यादा आपने सेवा का मौका दिया, क्योंकि ये जो यहाँ पे चले हुआ ना घेवर का, मोस्टली गौशाला में दान करे हैं, ठीक है। और भाई अरे पूछांगे कितनी भट्टी चल रही है, एक बार इस साइड भी दिखा दो भाई, ठीक है भाई, एक एक सेकंड आओगे मेरे भाई। भाई अपनी कितनी भट्टी चल रही है? 12 भट्टी चल रही है। 12 भट्टी चल रही है, 12 भट्टिया का गेल्या उठ जा है। हाँ। गेल्या उठ जा भाई, देखो बढ़िया चीज की तो मार्केट तो हुआ है, और यहाँ दो ही चीज चल रही है, एक तो देसी खाना, देसी सपाटे, देसी चूरमा, और देसी घेवर आ गया है, ठीक है। ईब अपना अंदर और चल रही है, 5-7 भट्टी हुआ और दिखाएंगे, और 2-4 दिन में इनके जो कारीगर आ जाएंगे फिर और ज्यादा भट्टी चलेंगी। तो चलो अब अंदर चलते हैं और अंदर भी दिखाओगे, और भाई और जो घेवर उस साइड में देन लग रहे हुए भी, और इस साइड भी आ जाओ। आपने अगर देसी घी की जलेबी चाहिए है तो जलेबी और दिखा दे भाई, एक बार दिखाइए भाई तारदा घी, किस तरह का ये जलेबी उतरेगी। एक किलो में 4 जलेबी चढ़ा रहे हैं, कै बनेगी भाई? एक किलो में 4 एक किलो में 4 हरियाणा की देसी घी की शुद्ध जलेबी, ठीक है। जलेबी भी बोल सकते हो, जलेब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने दिखाओगे, कस्टमर का रिव्यू लेवांगे। राम राम जी। हाँ। घेवर लेकर आगे जी है। हाँ। किसा घेवर लग गया यहाँ का, की खास बात लग गई है, चेक बकरिया नहीं है, और लोग देखा देख रुक गए, और कितना आए हो? नजफगढ़ से। अच्छा, इस यहाँ पर जा रहे थे इसलिए ले लिया, ठीक है भाई। एक बार चेक जरूर करो भाई, चेक करके तो लेना चाहिए ना, ठीक है।
तो और भी कस्टमर आओगे उन तभी रिव्यू लेवांगे। तो एक बार आपने भट्टी दिखा ले अंदर। चलो भाई, भाई जो यहाँ के संचालक है हमारे साथ है, भाई का एक बार परिचय भी लेवांगे और बतावांगे कि राकेश भाई ये भाई है ना, अपना प्रसाद देंगे पहले। प्रसाद तू भी खा ले प्रसाद बेटा। प्रसाद बोलो खा लिया। खा लो भाई प्रसाद खा लो। राकेश भाई एक मिनट दे दो भाई, ठीक है? और पहले दो ले लो भाई से, पहले तो ये बता दो प्रोग्राम कैसा चला हुआ है। बहुत बढ़िया चल रहा है और लोगों का सहयोग मिल रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, पिछली बार कितना दान दे दिया आपने गौशाला में? 58,47,000। भाई कोई अगर सस्पेंस होना है रसीद वगैरह देख जियो भाई पे। तो गौशाला में दूध दा दे देसी उसमें खोआ खावा देसी निकाल, ठीक है? के रुपये किलो है न्यू और बता दे। 3 साल से हमारा 300, 350, 400 रुपये। 300, 350, 400 रुपये किलो है। मोवा का के रुपये किलो है? 400 रुपये किलो। 250 रुपये जलेबी और 5 रुपये समोसा। 250 रुपये जलेबी और 5 रुपया का समोसा है भाई। और पिछे भी दिखा दो। धन्यवाद भाई राकेश, और भैया ने भी कर ले दो, ठीक है? और पिछे और दिखा दो, भट्टी चल रही है भाई, ठीक है? और उस साइड गौशाला है, गौशाला की भी दिखाएंगे आपने। और पहले भट्टी दिखा दे, हाँ जब आगे चलेंगे भट्टी दिखाओगे। और एक बार इस साइड दिखा दे भाई, देखो घेवरा के सारे डब्बे पैक होकर लग रहे हैं, सारे डब्बे भी हैं, सारे पैक होकर चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि लाइन इतनी लग रही है, अगर पूछो है ना भाई, आप हमने बाहर भी दिखाई है। एक बार ऊपर और आ जा भाई, समोसे और दिखा दे, आ जा बिल्कुल जल्दी आओ भाई। 5 रुपया का समोसा आपने मिल लगा, समोसा का साइज दिखा दो भाई, 5 रुपया का समोसा, ठीक है? और इस साइड ये बनान भी लाग रहे हैं भाई, ठीक है? इस साइड बनान भी लाग रहे हैं। 5 लाख रुपए इनाम, मिलावट पाई दो। 5 लाख रुपए इनाम है, मिलावट पाएगी तो देख लियो भाई, बीच में को साबित भी कर जाएगा, ठीक है भाई? वीडियो भी बना लाग रहे हैं और भी भाई कोई नहीं बना लेंगे, ठीक है? आ जाओ हम आगे चलेंगे, आगे भट्टी दिखावांगे भाई। भाई देख भाई का चेहरा देख ले, पूरा हसमुख है भाई, नरा घेवर बनान का है भाई। तो भी है कितना घेवर बना दे दिन में? बना दे, 2-4 बनाऊंगा। 2-4 है? अच्छा फिर बाकी बनाता। अच्छा घी कौन सा यूज करो भाई? बीटा का देसी, बीटा का देसी घी। और मोवा की चीक चढ़ है इसमें? मोवा अग चढ़ है, ठीक है? और इसमें खांड आड़ चढ़ाओ ने? और अच्छा खांड भी अग है, ये सारे छत्ते अग चले जा है भाई, अग दिखावांगे। और इबत है ने टेम आज शुरुआत हुई है, भट्टी भी कम चल रही है, भट्टी देख लो भाई, ये घेवर बनने लग रहा है। अग आ जा भाई, अग दिखावांगे आपने। देख भाई इसमें क्या बन लग रहा है जी? दूध फूक रहा है, मावा बनेगा? आज मावा। अच्छा देखो आपके सामने है दूध, इसमें फूक कर साथ के साथ मावा बनेगा, नहीं कुछ नकली लेकर आ रहे हैं, नकली चढ़ा दिया घेवर के ऊपर। प्योर दूध का, देसी दूध का मावा बनेगा भाई, ठीक है? आगे आ जाओ भाई। और यहाँ पे वहाँ पे देखो मावा चढ़ने लग रहा है, जस कहना भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, आगे आओ भाई कैमरा मैन। ये देख लो मावा चढ़ने लग रहा है, उधर मावा बनाओगे, यहाँ पर मावा चढ़ाने लग रहे हैं, ठीक है? प्योर देसी घी का घेवर और देसी मावा, प्योर दूध का मावा इस तरह से चढ़ने लग रहा है। और यहाँ पर देखो मीठा चढ़ने लग रहा है, कितने ये छत्ते यहाँ पर दरेजा है, एक बार दिखा दे भाई। इस तरह से देसी खांड का ये मीठा चढ़ने लग रहा है, सबके में देसी मिलेगा यहाँ पे, देसी खाओ और देसी रहो भाई, ठीक है? और पीछे गौशाला में भी आपने घुमा के लेवांगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि गौशाला नहीं है, ऊँ आड़ बना दिया, ठीक है यार अपने करन लग रहे, पीछे गौशाला भी है, गौशाला में भी अंडा के लेवांगे। आ जाओ भाई भाई यार की गौशाला में ले आए हैं, देखो सारी यहाँ पे गौ बंध रही है, इन गौआ का दूध निकल के और फिर यहाँ पे मावा निकाल लिया जा है, ठीक है? इसीलिए गौआ का देसी दूध का मावा भी निकाल लिया जा है, देसी घी का घेवर भी मिलेगा, सब कुछ देसी मिलेगा आपने। और गौआ के यहाँ पे इसलिए लेकर आए हाँ, क्योंकि कुछ भाई बोलते हैं कि गौ तो है नहीं, ठीक है? तो इसीलिए आपको दिखाया है, जो यू है ना यू प्रोग्राम है गौशाला का नाम पे है, तो सारा जितना भी चंदा इकट्ठा होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, गौशाला में दान होगा, ठीक है? तो इसलिए इन देख ले एक बार, आगे भी आ जा भाई, इस साइड में भी गौ बंध रही है, बाकी हमारे दूसरे साइड उस साइड भी एक वहां पे भी एक गौआ का ये रखा गया है, वहां पे भी गौ बंध रही है।
आपको एक आइडिया दिया है, एक विजिट करवाई है गोवा की, तो आ जाओ बाहर, आ जाओ भाई, दोबारा बाहर चलेंगे भाई। देखो भाई यहाँ पे ये पोर्शन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे घेवर यहाँ पे देते हैं। देखो इस साइड में सारे कस्टमर लगे हुए हैं, यहाँ पे जलेबी धरी हुई है, घेवर दलिया हुआ है, ठीक है। उस साइड भाई ये देखो, इस साइड यहाँ पे इकट्ठा करके, और यहाँ पे अपना घेवर यहाँ पे भाई हर दे हुए हैं, ठीक है। और जो भाई ने रेट बताया था बहुत ही जायज रेट है, 400 रुपए किलो मोवा का घेवर। और एक बार मोवा भी देख लो कितना बढ़िया मोवा चढ़ा रखा है इतना, क्योंकि एक तो ये हुआ है कि मोवा का नाम नाम हुआ है चढ़ाने का, ठीक है। और एक ये हुआ है कि भाई बढ़िया मोवा मिलेगा, ठीक है। एक बार कस्टमर राम राम भाई। राम राम। कितना आयो भाई? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ। अच्छा, बट जुलाना से बिलोंग करता हूँ। जुलाना से नाम बहुत सुन रखा है। बहुत सुना। पहले घेवर खाया भाई का? भाई मेरे को 6 साल हो गए आते हुए। अच्छा, 6 साल। यहाँ से जाता हूँ तो ये यहीं से। कैसा घेवर, क्वालिटी और बता दो भाई। भाई जब 6 साल से आ रहा है बताने की जरूरत है? 6 साल हो गए, बताने की जरूरत नहीं। देख भाई सामान ठीक होगा? बिल्कुल भाई, सामान बढ़िया होगा तो आओगे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भैया बस कुछ खाया है। हाँ, और जो बढ़िया चीज तो वो बात है, नु कह रहा है बोला देसी चीज तो घी तो अंधेरा ही बेरा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो वो बात हो भाई, सामान ठीक होगा? जहाँ सामान ठीक होगा 10 में से 10 नंबर दे दिया भाई ने। देखो और के लोग है भाई, लोकेशन भी आपकी बता दी, और आओ यहाँ पर ले जाओ, क्योंकि आप जितना भी लेकर जाओगे ना, जितना भी खाओगे, ठीक है, उतना ही दान मजा आएगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।